पुरानी हो चुकी है और ये बिल्कुल पुराने बिल्डिंगों की जैसे बिल्कुल साफ बहुत है। यहाँ बहुत क्लीन किया गया है इसको। और पूरा सारनाथ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और जहाँ वहाँ भी ले चलेंगे आपको, जहाँ गौतम बुद्ध बिठा के अपने पांच शिष्यों को ज्ञान दिया था वहाँ भी ले चलेंगे आपको। तो आइए ये थोड़ा ये देखिए ये क्या है। काफ़ी इसकी चौड़ाई है, काफ़ी लंबाई है और इसको ये मंदिर की पहल बहुत कैसे बौद्ध के समय या मौर्य जो हमारे यहाँ थे तब के ये, क्योंकि मौर्य बुद्धिज्म को ही मानते थे तो मौर्य वंश जो था। तो आइए चलिए देखिए मंदिर, देखिए उस समय का हमारे यहाँ कैसा मंदिर है। और देखिए पूरा अजीब गरीब ये स्ट्रक्चर है ये टेंपल का, कुछ समझ से परे है हमारे कुछ। चलिए आइए आप लोग को यहाँ पर मेनी टाइप्स फ्लावर दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। देखिए देखिए आइए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, यहाँ हर टाइप के फ्लावर लगाए गए हैं हरियाली के लिए और इन्वायरमेंट रखने के लिए। आपको देखा यहाँ पर फ्रेंड सिक्योरिटी भी है, आप लोग आइए तो शांति व्यवस्था से घूमिए, पूरी आज़ादी मिलेगी यहाँ पर घूमने के लिए आप लोग को। दिला देंगे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आज़ादी नहीं मिलेगी तो हम लोग दिला देते हैं। यहाँ बनारस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। ये देखिए पत्थर ले, ये बहुत पहले का जो हम लोग पुराने सारे पाषाण जो बोलते हैं पहले वही है, सारा पत्थर ही है यहाँ पुराने जो मौर्य वंश का थे या बुद्धिज्म के समय जो सारे उकेरे गए थे जिसमें, और आपको कुछ टूटे टूटे लगेंगे पत्थर। चलिए आइए नीचे देखो, बहुत सारी बहुत तरीके से संभाल के इसको रखा गया है, ये नहीं तो ये शायद ये ख़राब हो जाता, लेकिन इसको बहुत तरीके से संभाला गया है। और हाँ जी चढ़ सकते हैं इस पर, चढ़िए चढ़िए चढ़ सकते हैं। अच्छा स्मक वेदिका मोनोलिथिक और रेलिंग कट तुम वेदिका ये आप समझ रहे होंगे, इस पर आप मोबाइल अंदर तक कर रहे हैं, आप देख लीजिए थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। और यहाँ से पहले उतरने वाला था लेकिन यहाँ से अब रेलिंग लग गया है तो बंद कर दिया गया इसमें अंदर जाने का, हम दूर से ही देखते हैं इसको। चलिए एकास्मक वेदिका लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर एकाग्रत कंसंट्रेट हो सकते हैं यहाँ पर यदि आप लोग घूमने आते हैं तो। ये दिखाओ देखिए कुछ बौद्ध ये कुछ लगाए हैं, व्हाट इज दिस आई डोंट नो बट वेरी स्पेशल, आपको दिखा होगा कि उनके उनके उनको उनका प्रे करने का ये कुछ अलग तरीका रहा होगा। ये अभी लगाया गया, ये पहले का नहीं, ये अभी लगाया गया, ये बहुत लोग आते हैं वो लगाते हैं। ये गोल्डन कुछ गोल्डन तरीके का है, कुछ हाथ पे भी आ रहा है। आइए चलते हैं और आगे। और ये कैसे बना है ये एकास्मक वेदिका, वो वहाँ लिखा है ये है चुनार के बलुए पत्थर से बनी तथा मौर्य कालीन विशिष्ट चमक से युक्त एकास्मक वेदिका आर्टेल महोदय को सन 1904-5 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊँची है। अपने मूल रूप में यह संभवतः धर्मराजिका स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। ठीक है फ्रेंड, गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को घूमने में कोई असुविधा या खेद हो यहाँ पर आप सिक्योरिटी या गाइडलाइन ले सकते हैं। गोल्ड फॉइल है ये, गोल्ड फॉइल आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, जब रदरफोर्ड का जब एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा उसमें गोल्ड फॉइल पर उसने जब उसका बहुत ज़्यादा फेंका था तो उसमें हमें दिखे गए थे, तो ये गोल्ड फाइल ही है, इसको डिवोटीज द्वारा चिपकाया जाता है। स्ट्रक्चर है उस टाइप का ही जैसे हमने आपको पहले दिखाया था। और चाहिए आप, चलिए आपको दिखाते हैं।